पुलांचल के हृदय स्थली बैंक बोर्ड में अवस्थित जेपी चौक पर लगी लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का सौंदर्यीकरण के लिए विधायक राज सिन्हा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल नगर निगम आयुक्त से मुलाकात करने पहुंचे। आपको बता दें जिसमें नगर निगम आयुक्त को बताया गया कि बैंक मोड़ स्थित जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा तथा चौक के सौंदर्यीकरण के लिए नगर निगम को पहल करनी चाहिए। मालूम हो कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा पूर्व में किए गए जेपी आंदोलन में शामिल कोलांचल के कई आंदोलनकारी शनिवार को विधायक राज सिन्हा के साथ धनबाद नगर निगम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नगर निगम नगर आयुक्त को जेपी चौक की वास्तु स्थिति से अवगत कराया। नगर आयुक्त महोदय से हम लोग मिलने आए थे जेपी चौक धनबाद पर, उसके रख रखाव और सौंदर्यीकरण के संबंध में। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जेपी आंदोलन से जुड़े और जेपी से जुड़े जितने भी तिथियां हैं, ऐतिहासिक तिथियां हैं, उस अवसर पर जैसे कि 18 मार्च, 5 जून संपूर्ण क्रांति दिवस, 8 अक्टूबर जेपी की पुण्यतिथि है और 11 अक्टूबर जेपी की जयंती के अवसर पर वो होने वाले सारे कार्यक्रमों की व्यवस्था नगर आयुक्त नगर निगम द्वारा किया जाएगा और उस स्थल के रख रखाव और सौंदर्यीकरण का जिम्मा और उसे और भी सौंदर्य बनाने की जिम्मेवारी नगर निगम ने ली है, जिसके तहत वो एक ऑर्डर पास करेंगे, एक आदेश पास करेंगे जो सरकारी आदेश माना जाएगा और उनकी ये बाध्यता होगी कि उनके द्वारा आश्वासन दिए गए और बताए गए तिथियों पर वो व्यवस्था करें और उस स्थल का रख रखाव करें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो समिति फिर अपने स्तर से उसका रख रखाव और व्यवस्था जैसा कि करते आ रही है वर्षों से, सन 74 से, वो करने के लिए बाध्य होगी। हम लोगों ने पहले भी निर्णय लिया था कि महापुरुषों की प्रतिमाओं के आगे किसी कंपनी का विज्ञापन नहीं लगेगा। तो वहाँ पर एक कंपनी का विज्ञापन लगा हुआ था, चारों तरफ से प्रतिमा को घेर दिया, तो उसको हम लोग उससे हम लोग नहीं कराएंगे। और जो महापुरुषों की जो समारोह में उनकी सफाई में जो भी खर्च होंगे निगम कर भी रही है और भी करेगी।